हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, उसको जाके आप देख सकते हैं, आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन अच्छा हो जाएगा। बिकॉज आई हैव अडोप्टेड सच टाइप ऑफ मैथड्स ऑन माई सेल्फ एंड आई गोट वंडरफुल रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज जो आर्टिकल है वो आपके जो GS पेपर नंबर 2 के लिए पोलिटिकल साइंस का जो पोर्शन आता है, पोलिटिकल आइडियोलॉजी वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपका PSIR पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इसमें राइटर बात कर रहा है कि हाउ फ्रेटर्निटी इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भाईचारे की भावना है अभी जो इंडिया में फिलहाल चल रही है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनविजन की गई थी और जो एनश्राइंड की गई थी, इंक्लूड की गई थी। एनश्राइंड होता है किसी चीज़ में सम्मिलित करना, एनश्राइंड एनश्राइंड मतलब किसी चीज़ में सम्मिलित करना, कोई मान लो पर्टिकुलर साइकोलॉजी है या कुछ भी है। एनविजन होता है परिकल्पना करना, मान लो आप कोई अपनी सोच रखते हैं कि भाई मैं ऐसा होऊंगा कल, वे ये करूंगा वो करूंगा, एनविजन परिकल्पना करना। तो एनश्राइन सम्मिलित करना किसी चीज़ में, कुछ मान लो यू हैव टू एनश्राइन सम वोकैबुलरी वर्ड्स इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे ही है एनश्राइन सम्मिलित करना, एनविजन परिकल्पना करना। आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, आपने सुना होगा जो प्रीएम्बल है उसमें भी लिखा गया है। तो आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी इन्वॉल्व्स इमानसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। इमानसिपेशन होता है किसी को रिलीव दिलाना, किसी चीज़ से छुटकारा दिलाना, इमानसिपेशन होता है छुटकारा दिलाना। तो बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आएंगे पूरे आर्टिकल में। इमानसिपेशन मतलब किसी को छुटकारा दिलाने में हेल्प करना किसी चीज़ की, दूसरे किसी दूसरी चीज़ से। इमानसिपेशन मान लो कोई गरीबी से छुटकारा दिलाना चाहता है ऐसे ही, तो इमानसिपेशन बोलते हैं उसको, इमानसिपेशन। एंड एम्पावरमेंट किसी को मतलब पावरफुल बनाना, ऑफ द पीपल, डिस्पाइट होना मतलब के बावजूद। डिस्पाइट कैसे यूज कर सकते हैं आप कन्वर्सेशन में, बोलो कि भाई मैं अपने पिताजी की जगह आया हूँ, डिस्पाइट ऑफ माई फादर आई केम हेयर, तो मैं आया हूँ। इट्स वेरीगेटेड हिस्ट्री, वेरीगेटेड मतलब तरह तरह की, डिफरेंट जो डिफरेंट अलग अलग तरह की, डिफरेंट बोलते हैं इसको, वेरीगेटेड बोलते हैं। सिंस द टाइम ऑफ प्लेटो, प्लाटो के टाइम पे, जो कि एंशिएंट ग्रीस की बात करता है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में या बहुत पढ़ा हुआ आपने, तो प्लाटो जो कि एंशिएंट टाइम के फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर, तो इट रिमेन्स ए सिग्निफिकेंट टीनेंट। टीनेंट मतलब एक मतलब सिद्धांत रहा है ऑफ लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी। लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी का आपको पता होगा कि लिबरल होता है जो थोड़ा सा खुले विचारों के रहते हैं, सबको लिबर्टी की बात करते हैं, सब में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी को आगे बढ़ाता है अलोंग विद द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो इसके साथ ही लिबर्टी और इक्वलिटी भी चलती है फ्रेटर्निटी के साथ। इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो भारत ने स्वतंत्रता में संघर्ष किया, एंड द सब्सिक्वेंट इमरजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, उसके बाद सब्सिक्वेंट होता है उसके बाद जो इमरजेंस हुआ, उदय हुआ किसका, संविधान की, जो डेमोक्रेसी का, सा द नेसेसिटी ऑफ द लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, सा द नेसेसिटी, उसने देखा कि भाई ज़रूरत है इन चीज़ों की, लिबर्टी की, इक्वलिटी की, इन फ्रेटर्निटी की। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अम्बेडकर ने जो है स्ट्रेस दिया ऑन इनसेपरेबिलिटी ऑफ द थ्री आइडिया। उन्होंने कहा इन कंटिन्यूटी में पढ़ना है, ये सेपरेशबल नहीं है, इनसेपरेबल है, मतलब इनको अलग नहीं किया सकता, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी को। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, जिन्होंने संविधान फ्रेम किया था, अंबेडकर वगैरह ने, जो भी कमेटी थी, जो उन्होंने सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण समझा फ्रेटर्निटी का इन ए सोसाइटी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्किकल सोशल ऑर्डर, जो कि हायरार्की में आपको पता वर्ना सिस्टम था उस टाइम पे, तो सोशल ऑर्डर इनइक्वलिटी में बटी हुई थी उस टाइम पे, महत्व समझा इन चीज़ों का। इन द मिडल एज, जो मिडेबल टाइम बोलते हैं, फ्रेटर्निटी भाईचारा फ्लोरिस हुआ मोस्टली थ्रू दी रिलीजन, धर्म के थ्रू, रिलीजन के थ्रू ये चीज़ें आगे बढ़ी। विद इन द चर्निंग ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी इन यूरोप, मतलब दोहन होते हुए या मंथन बोलते हैं इसको, चर्निंग जैसे दूध का दही निकाल, दूध से घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, वैसे ही जो एक मशीन डाल के, तो विद द चर्निंग ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी इन यूरोप, तो इस
जो क्रिश्चियन सोसाइटी का मंथन हुआ, तो ये रिलीजन के बेस पे आगे फ्रेटर्निटी भाईचारा बढ़ा। द कंसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी देन इवेंचुअली क्या था, लास्ट में फाउंड इट्स एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स। तो लास्ट में क्या, जो भाईचारे की कंसेप्ट क्या है, इवेंचुअली फाउंड इट्स एंट्री, उसने एंट्री मिली उसको पॉलिटिक्स में विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जब 1789 में हुआ था, इन ट्राईपैट ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी। ट्राईपैट मतलब जो बोलते हैं ना तीनों चीज़ों का, ट्राई को बोलते हैं, तो तीनों चीज़ें आई, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आई। ये मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे हुए। व्हेन वी असेस फ्रेटर्निटी टाई इन इंडिया, अगर हम जांच करते हैं भाईचारे की, जो फ्रेटर्निटी टाइज की इंडिया में, इन ऑर्डर टू हैव फ्रेटर्नल बॉन्डिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स दे मस्ट हैव ए शेयर्ड पास्ट। तो भाईचारे की भावना होने के लिए शेयर्ड पास्ट होना चाहिए। मतलब शेयर्ड पास्ट मतलब क्या है, सब आदमियों का एक जैसा पास्ट होना चाहिए। एंड दैट शेयर्ड पास्ट हैज़ टू बी एमिकेबल वन, ऐसा नहीं कि हॉस्टिलिटी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। पास्ट में क्या है, वो इकट्ठे रहे हों और एक जैसा रूटीन फॉलो किया हो, एथनिक्स फॉलो किया हो। कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रूटेड इन दी वास्ट सोशल इनइक्वालिटी। तो इसको मतलब जो भी भाईचारे की भावना है, फ्रेटर्निटी की भावना है, वो नहीं निकाली जा सकती रूटेड इन, जो कि जिसमें जड़ पकड़े हुए हैं वास्ट सोशल इनइक्वालिटी, जहाँ पर बहुत सारी इनइक्वालिटी है, मतलब बराबर नहीं समझा जाता है अमंग डिफरेंट कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी में। जॉन रोल्स इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, बहुत फेमस थ्योरी है, अगर PSIR आपने पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ा है, तो जॉन थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें बोलते हैं एक वेल ऑफ इग्नोरेंस डाल देते हैं, वो मतलब एक घूंघट टाइप में बना देते हैं कि सबकी इक्वलिटी बराबर होगी, और उसके बाद एक दूसरे के लिए डिसीजन लेना है कि किसको कितना जस्टिस मिलेगा सोसाइटी में, किसको रिसोर्सेज मिलेंगे, तो तब जस्टिस आ पाएगा। तो उन्होंने ये बहुत मतलब ये आइडियलिस्ट लिबरलिस्ट थ्योरी दी थी उन्होंने, तो उसी बात पे बात कर रहे हैं कि जॉन रोल्स अपनी थ्योरी में बताया 1971 में, प्रोवाइड्स टूवर्ड्स मेंटेनिंग ए सर्टेन इक्वलिटी एंड ऑर्डर। उन्होंने बताया था कि मेंटेन करना है सर्टेन लेवल इक्वलिटी इन ऑर्डर टू रियलाइज द पॉलिटिकल फ्रेंडलिटी, मतलब सब में इक्वलिटी रखनी है, तभी तो भाईचारा आ पाएगा, तभी उसी बेस पे। ऐसे नहीं कि आप सबको इन इक्वलिटी रखो और फिर भाईचारे की बात करो, तो ऐसा हो नहीं सकता। द आइडिया वाज एंड स्टिल इज़ टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब जैसे है कि जो कमज़ोर है, गरीब है, उसको मतलब जो अभी बोलते हैं ना अफर्मेशन एक्शन होते हैं कि भाई उसको रिजर्वेशन दे दो, कोटा दे दो, सबको बराबर कर दो, तब लेवल प्लेइंग फील्ड देके तब कंपटीशन में लेके आओ। बिटवीन वेरिंग जो भी अलग अलग सोशल ग्रुप हैं, लॉक्ड इन स्ट्रक्चरल हायरार्की, जो कि स्ट्रक्चरल हायरार्की में लोग हैं, टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना चाहिए, व्हेन इट टेक्स रियली एक्चुअलाइज फ्रेटरनल रिलेशन। तो ये अंडरस्टैंड व्हेन इट टेक्स टू रियली एक्चुअलाइज करता है, जो फ्रेटरनलिटी उसको रियलिटी में लेके आएगा, जो भाईचारे के रिलेशन है। दिस कैन ओनली बी पॉसिबल विद द अंडरलाइंग एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये अंडरलाइन करेंगे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, जब इक्वलिटी की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ दिस क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग, जो मतलब अगर इस इम्पोर्टेंट क्रूशियल होता है इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग का एब्सेंस होगा, व्हाट यू हैव इन फ्रेटरनल टाइज फॉर श्योर। अगर ये बात कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों का एब्सेंस हुआ, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एब्सेंस होगा इसका, व्हाट यू हैव, क्या होगा आपके पास, फ्रेटरनल टाइज फॉर श्योर क्या होंगे, बट विद इन कास्ट ग्रुप, अगर मान लो होंगे तो पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप में ही होंगे, दूसरी इस एक कास्ट ग्रुप में तो हो जाएगी आपकी इक्वलिटी या फ्रेटरनिटी भाईचारा हो जाएगा, बट अगर दूसरी कास्ट ग्रुप में देखें तो उनमें भी हो जाएगा, बट इस लेवल में दोनों के बराबर नहीं होगा, आपस में नहीं होगा, नॉट अक्रॉस देम, मतलब अक्रॉस देम नहीं होगा, इनमें आपस में नहीं होगा। कि सर्टेन प्री कंडीशन आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव द काइंड ऑफ पोलिटिकल फ्रेटरनिटी। सर्टेन प्री कंडीशन मतलब कुछ पहली कंडीशन है, प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट हैं और नेसेसरी जरूरत है इन ऑर्डर टू अचीव दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेंडलिटी। इस तरह की भाईचारे के लिए कुछ पहले रिक्वायरमेंट है, इनकल्केटेड मतलब सम्मिलित करना किसी चीज़ को, ये कहते हैं ना कि आपको ये चीज़ें अपने अंदर इनकल्केटेड करनी पड़ेंगी, तब आप मतलब परसिस्टेंट रह पाओगे। यू हैव टू इनकल्केट सच टाइप ऑफ नॉर्म्स इन योर सेल्फ, देन ओनली यू वुड बी ए गुड सिटीजन। तो इनकल्केट करना, समाहित करना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के द्वारा समाहित की गई हैं, थी मतलब समाहित की थी, एट द वेरी फर्स्ट फ्रेटर्निटी डज नॉट मीन एनीथिंग। तो अगर मान ले सबसे पहले हम बात करें भाईचारे की, जो फ्रेटर्निटी की भावना, बंधुत्व की भावना है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि एनीथिंग इफ ग्लोसिस ओवर सोशल इनइक्वालिटी, इसका मतलब यह नहीं होता, ग्लोसिस होता है चमकना या आगे बढ़ना ओवर सोशल इनइक्वालिटी, जो कि सोशल इक्वलिटी के ऊपर बढ़ता नहीं, देन इनवोक्स सोशल सोलिडिटी, क्या उसके बाद वो उजागर करेगा, लेके आएगा सोशल सोलिडिटी, तो मतलब एक सौहार्द की भावना, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकेंडली द कॉल फॉर सच ए फ्रेटर्निटी इज इंक्रीजिंगली रिप्लेस। अगर मान लो हम बात करते हैं ऐसा, इसके लिए आह्वान करेंगे, ऐसे भाईचारे बंधुत्वों के लिए कॉल करेंगे, इज इंक्रीजिंगली रिप्लेस, जो कि लगातार रूप से बदल रही है विद द रेटोरिक, जो रेटोरिक होता है मतलब बार बार किसी चीज़ को जाप करना, रेटोरिक एक मतलब फेमस कोई मतलब कोई व्याख्या टाइप में,
चलती रहती है। बेलिजरेंट होता है झगड़ालू, बिल्कुल जुझारू, जो लड़ाई के लिए तैयार रहता है। बेलिजरेंट नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की ये फीलिंग रहती है कि भाई ये नहीं है कि आप जो भी मतलब इसको अगर भाईचारे की भावना को जो इंक्रीजिंगली रिप्लेस हो रही है कि मतलब उसका आह्वान करते हैं जो फ्रेटर्निटी का बार बार कि भाईचारे के आगे बढ़ाएंगे और इंक्रीजिंगली रिप्लेस कर रहे हैं जो रेटोरिक ऑफ बेलिजरेंट, जो मतलब एक बहुत पैट वर्ड है, जो बेलिजरेंट मतलब जुझारू जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, नेशनलिज्म को बढ़ा रहे हैं, विच कास्टिगेट जो कि मतलब जो कि खराब करता है या मतलब उसको स्टेक पे रखता है या उसको ख़त्म करने ही सोचता है। ए होम ग्रोन रिलीजियस माइनॉरिटी जो कि यहाँ पे मान लो यहीं के रहने वाले हैं बट वो रिलीजियस माइनॉरिटी में रह गए हैं, एज इट्स आर्क एनिमी, तो उसको क्या वो उसका अपना आर्क होता है बिल्कुल दुष्ट, बहुत कड़ा, धूर्त बोलते हैं इसको, मतलब बहुत खड़ा एनिमी, बहुत शत्रु एनिमी। तो ये इस लाइन का ये मतलब है कि भाई जो भी बात कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे भाईचारे की बात करते हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही अपने भाईचारे की बात करते हैं जो इंक्रीज कर रहा है रिप्लेस, जो एक बेलिजरेंट नेशनलिज्म बोलते हैं जो लड़ाई के लिए तैयार रहता है, वो जो कास्टिगेट करता है, जो उसको ख़त्म करता है या बुराई करता है, जो होम ग्रोन रिलीजियस माइनॉरिटी को उसके एनिमी को, तो इसलिए आर्क एनिमी जो उसके बहुत कड़े एनिमी समझता है माइनॉरिटी को। मान लो अपने ही देश में आदमी कुछ बंधुत्व फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, अपनी कम्युनिटी में भाईचारे की बात करते हैं, और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके खिलाफ ये आर्क एनिमी उनको अपना बिल्कुल कटु और कड़ा दुश्मन समझते हैं। तो एक बहुत गहरी बात है, हमें इस चीज़ को प्रोपोनेंट नहीं करना चाहिए, रिलीजियस माइनॉरिटी को अपना आर्क एनिमी नहीं समझना चाहिए। मे बी लाइक ड्यू टू सम मिसकंसेप्शन यू आर बिहेविंग इन दिस फैशन दैट दे आर दी आर्क एनिमी ऑफ योर सेल्फ, यू शुड नॉट प्रोपाउंड सच टाइप ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको समझना चाहिए, आई होप आपको समझ में आएगा। तो पूरे आर्टिकल में ये बात की गई कि फ्रेटर्निटी भाईचारे की बंधुत्व की भावना चले, आज के टाइम में जो क्या है सिर्फ एक ही मतलब हम बंधुत्व की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, अपनी कम्युनिटी को लेकर बात करते हैं, बट जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनको हम अपने आर्क एनिमी समझते हैं, और जो कि एक रेटोरिक बोलते हैं कि भाई बेलिजरेंट जो जुझारू होता है लड़ने के लिए, बेलिजरेंट नेशनलिज्म की बात करते हैं। नेशनलिज्म क्या होता है कि भाई एक फीलिंग के ऊपर सब क्या कोहेरेंस होता है कि हाँ हम हैं कुछ इस एथनिक को फॉलो करते हैं, तो वही बात होगी, नेशनल पे नेशनलिज्म बना है। तो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी दिया गया है, इनको तीनों को कोहरेंस में देखना चाहिए, जैसे अपने संविधान में अंबेडकर जी ने भी कहा था। दूसरा क्या है कि ये हम अगर पास से बात करो तो प्लूटो ने भी इसको प्रोपरेंट किया था कि आगे बढ़ाएंगे, लिबरल जो थे उन्होंने बताया था कि इनको आगे बढ़ाएं फ्रेटर्निटी को। अगर मिडिवल टाइम में रिलीजन पे भाईचारा चलता रहा है तो हमें सोसाइटी में उसको बनाना चाहिए, यही इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट है। और ये जॉन स्रोल की थ्योरी जो 1976 में आई थी, मैंने बताया था कि वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात 1971 में आई थी, और 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन है, ये भी आपका वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आए थे जिसमें इमानसिपेशन है, एम्पावरमेंट है, और एमिकेबल होता है, मिलनसार होता है जो कि एमिकेबल होता है, आर्क एनिमी मतलब जो कड़ा शत्रु होता है, कास्टिगेट मतलब उसको ध्वस्त कर देता है, और बेलिजरेंट होता है जो झगड़ालू होता है, झगड़े के लिए तैयार होता है। ये कुछ वोकेबलरी वर्ड हैं। ग्लोसरी होता है, ग्लोस होता है कि चमक चमकना मतलब प्रफुल्ल करना, आगे बढ़ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का कंटेंट, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।